हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आज का ये जो दिन है ना, वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आई एम श्योर आप मेरी फैमिली के हिस्से हैं, और आप ज़रूर आप भी मेरी तरह उतने ही खुश होंगे। ठीक है, तो बात देखो आज शुरू नहीं हुई थी, बात शुरू हुई थी बहुत पहले। पहले मैं अवार्ड की बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम अनबॉक्सिंग देते हैं, उसके बाद जो जर्नी रही है हमारी, उस जर्नी के बारे में भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, और मेरा आगे का क्या गोल है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। तो देखो आज सुबह जब हुआ, आज मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मुझे कुछ काम था रुद्रपुर मेरे में, हमारे मार्केट में। तो मैं मार्केट कुछ काम से गया था, काम में ही बिजी था। उतने में मुझे कुरियर वालों का फ़ोन आ गया। मैंने स्टेटस देख रहा था कल सुबह, जब मैंने देखा था ना, ट्रैक किया था, तो वो ये जो अवार्ड है हमारा वो दुबई में था। ठीक है, दुबई से भेज रहा जा रहा था दिल्ली के लिए। तो मैंने सोचा अभी एक दो दिन और लगेगा, मेरे मन में था कि एक दो दिन में आ जाएगा, बट ये नहीं पता था कि आज ही आ जाएगा। मैं रुद्रपुर गया, ठीक है, ऐसे ही काम था, तो कुरियर वाले का फ़ोन आ गया सडनली। एक नंबर आया, नए नंबर से मैंने कॉल पिक किया, और वैसे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि आज ही अवार्ड आएगा, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था। तो बोला, सर आप कौन बोल रहे हो? आप तारक शाह बोल रहे हो? मेरा नाम पूछा उन्होंने, मैंने कहा हाँ तारक शाह बोल रहा हूँ। बोले सर आपका एक कुरियर आया। जैसे ही उन्होंने बोला ना कि सर आपका एक कुरियर आया, मैं समझ गया भाई ये हमारा जो हमारी जो खुशी है, हमारा जो अवार्ड है, जो गोल्ड प्ले बटन है, वो आ चुका है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ठीक है, उस पर मैंने छोटा मोटा व्लॉग बनाया है। ठीक है, अब उस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर एडिट करके लगा दूंगा। ठीक है, हो सके तो, और नहीं कर पाया तो उसकी जो वीडियो है ना, वो मेरे व्लॉगिंग चैनल पर अपलोड होगी कल, उसे आप जाके देख सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। मैं आप लोगों को छोटे मोटे व्लॉग बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ, अगर आप प्यार देना चाहें तो दे सकते हैं, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैं गया, जब मैंने रिसीव किया, मैं वीडियो भी बनाया, तो उसने टोका मुझे, तो वो तो जो जिसने साइड पे रखी। उसके बाद क्या हुआ, मैं घर पे आया और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अवार्ड लाने के बाद जो मैंने अपनी भाई की छोटी बेटी उसको पकड़ा दिया, मैंने पापा को दिया, मैंने मम्मी को दिया, भाई को दिया। ठीक है, तो सारी बात अभी मैं करेंगे, उस पहले फटाफट से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो बिना किसी देरी के हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे ना, ये अनबॉक्सिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ठीक है, और ये जो बॉक्स है ना, बहुत ज़्यादा सॉलिड बंधा हुआ है। मैं देख रहा था ट्रैकिंग आईडी से कब कहाँ पर क्या पहुँचा, कल जब मैंने चेक किया था ना, तो ये था दुबई में सुबह। आज जब मैं थोड़ा काम से गया था रुद्रपुर, ठीक है, हमारे आसपास का सिटी पड़ता है रुद्रपुर, वहाँ गया था। फिर वहाँ जाके मुझे सडनली कॉल आ गया, तो जाके जब देखा, अब ये देखो बहुत ज़्यादा सॉलिड है, निकालते हैं इसको धीरे धीरे। ओ माई गॉड, सबसे पहले इसके अंदर एक फोम है ना, देखिए ये फोम है, शानदार सॉफ्ट सॉफ्ट टच मिलता है इसको सेफ्टी रखने के लिए। इसे रखते हैं साइड। फिर ये कार्ड मिला है, आई डोंट नो क्या है, इसे फेंकते हैं साइड में। फिर हमें एक सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, यूट्यूब की तरफ से। इसमें लिखा है यू टुक वन स्टेप फॉर ईच सब्सक्राइबर यू हैव डू यू नो हाउ फार दैट वुड गेट यू फॉर स्टार्टर्स ओवर 13 टाइम्स अराउंड द पेरीमीटर ऑफ बीजिंग और 14 टाइम्स अराउंड पेरिस और 15 टाइम्स अराउंड न्यूयॉर्क दैट बिकॉज यू नो हैव ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो बच्चों, ये जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आपके प्यार और सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। और भी बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये सुजैन है जो CEO हैं यूट्यूब की, उनके सिग्नेचर्स भी हैं। तो इस सर्टिफिकेट को मैं तो रखूँगा संभाल कर, तो इसे अभी रखते हैं हम साइड में। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, है ना। ओ माई गॉड, आप देख सकते हैं, धरे दे ध्यान हटू एकदम ऊपर देखो रहे, देख सकते हैं ये जो वीडियो शूट मेरा भाई कर रहा है, ठीक है, और उसको उतना आइडिया नहीं है, मैं उसको गाइड कर रहा हूँ अपने लैंग्वेज में। बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं इसमें एक पाउच भी रखा पड़ा है, इसे हम रखते हैं साइड में। अनबॉक्सिंग में तो उतना एक्सपीरियंस मेरे को हो नहीं, मैं पढ़ाना ही मुझे आता है थोड़ा बहुत। और रिकनाइज योर टीम, तो कुछ ये जे रखा है, इसको हम रखते हैं साइड में। यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड है ये हमारा, गोल्ड प्ले बटन है। तो बच्चों, इस गोल्ड प्ले बटन को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, मैथमेटिक्स एनालिसिस फॉर पासिंग 10 लाख सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये मुझे नहीं मिला है,
ये हमारी पूरी फैमिली को मिला है, ठीक है, और ये मस्त चमचमा रहा है। ये मेरा ड्रीम था, ठीक है, मेरा ड्रीम था कि किसी भी हालत में मुझे 1 मिलियन करना है, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सो बहुत ही शानदार लग रहा है, और इसे पकड़ के जो फीलिंग आ रही ना, बहुत ही शानदार फीलिंग आ रही है, और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ खुद पे भी और अपने फैमिली पे भी। ठीक है, इस पर मस्त चमचमा रहा है अपने, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है कि नहीं। सो बहुत ही शानदार जर्नी थी, देख सकते हैं। ये है आप लोगों का प्यार, ये है आप लोगों का सपोर्ट। विदाउट आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं थी। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्या बताऊँ, मैं खुशी का इजहार नहीं कर सकता। जो जर्नी मेरी थी, जो मेरा सफ़र था, वो बहुत ही शानदार था, और इस सफ़र में मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं आप लोगों से। ठीक है, और मेरा हमेशा यही मोटो रहता है कि मैं ज़िंदगी में सीखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सीखने में विश्वास रखता हूँ, और ये आपको भी करना चाहिए। ठीक है, जितनी मेहनत मैंने की है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने दिखाया है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था ना, लोग मुझे टोकते थे कि तेरी वॉइस कैसी है, ठीक है, तेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तू कभी अच्छा क्रिएटर नहीं बन सकता, तेरे वीडियो कोई पसंद नहीं करेगा, बहुत लोगों ने बोला, बट मैंने कभी हार नहीं मानी, नेवर गिव अप। मैं, मेरे को वीडियो अगर एक दिन ना बनाऊँ ना आप लोगों के लिए, तो मुझे अच्छा फील ही नहीं होता है। 4 साल पहले चैनल मैंने बनाया मेरे स्टूडेंट के कहने पर, जिसका मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ, उसका नाम है अनुपम हालदार। मैं पहले जब सिल्वर प्ले बटन आया था ना, ऊपर लगा पड़ा है, तब भी मैंने उसका नाम लिया था, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में जो आता है, जो मेरे दिल के करीब रहता है ना, जो मेरे लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते, तो उनमें उसका नाम है। ठीक है, आप भी मेरे दिल के सब करीब हो, आप मेरी फैमिली हो, आई लव यू ऑल बच्चों। ठीक है, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। गोल्ड प्लेन बटन बन चुका, सिल्वर से हम गोल्ड में आ चुके हैं, अब डायमंड में आपको लाना है, अब वो कब तक लाना है वो आप पर निर्भर है। ठीक है, मैं मेहनत करूँगा, मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगा, बट सपोर्ट आपको करना है, आपको अपना प्यार दिखाना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और सब्सक्राइब करके लाल बटन को ना काला कर देना एकदम, ठीक है ना, कैरी मिनाटे के स्टाइल में, मैं बोलना चाहता हूँ बट बोल नहीं पा रहा हूँ, समझ सकते हैं आप लोग। तो जर्नी की बात करते हैं, 4 साल पहले हमने बनाया, बनाने के बाद क्या था कि जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाया, मेरे पास 1 GB का प्लान था। ठीक है, और मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है यूट्यूब में कैसे टाइटल लिखते हैं, टैग्स कैसे लगाते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज, कोई भी नॉलेज नहीं था मेरे पास। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, जब चैनल बना लिया ना, तो 1.5 साल बाद स्टार्टिंग में 1-2 वीडियो बनाए, लोगों ने मुझे बोला नहीं चलेगा तेरा वॉइस, क्योंकि ये लैपल माइक क्या होता है मुझे नहीं पता था, एडिटिंग कैसे करते नहीं पता था, वीडियो अपलोड कैसे करते वो भी नहीं पता था। 1-2 वीडियो किसी तरीके से बना के अपलोड किया, कोई थोड़ा बहुत टाइटल लिखा, कोई टैग नहीं, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, कोई थंबनेल नहीं, कुछ पता नहीं, चैनल वेरीफाई कैसे करते वो भी नहीं पता। ठीक है, 2-3 वीडियो बनाए, लोगों ने बोला अच्छा नहीं है, मैंने बंद कर दिया। कम से कम वो मेरी पहली गलती थी चैनल बनाने के बाद, कि मैंने 1 साल तक 1 भी वीडियो नहीं डाला, लोगों के कहने पर मैं डीमोटिवेट हो गया था, और ये चीज़ मैंने भी एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मेरी आवाज़ बेकार है, मेरी वीडियो क्वालिटी भी बेकार है, ऐसा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, वो जो सच थे। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि देखा जो मैंने 2 वीडियो बनाए थे ना, हायर एजुकेशन की वीडियो बनाता, BSc MSc, ठीक है, इनकी वीडियोज़ मैं बनाता था, BTech वगैरह की, तो उनमें से 2-3 वीडियो बनाए थे, 1 वीडियो पे 5,000 व्यूज़ आ गए, अरे भयंकर 5,000 व्यूज़, मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा अब तो मैं वीडियो बनाऊंगा चाहे जो हो जाए। फिर मैंने थोड़ा बहुत देखना शुरू किया यूट्यूब पे कि कैसे क्या क्या होता है, उससे मुझे मोटिवेशन मिला, मुझे जानकारी मिली, और मैं सीखता गया एडिटिंग कैसे करते हैं सीखा। जैसे ही मैंने ये लैपल माइक खरीदा और वीडियो एडिटिंग करना सीख गया ना, 3 महीने के अंदर मेरे 1,000 सब्सक्राइबर हो गए। ठीक है, मतलब जर्नी 1.5 साल के बाद शुरू से लेकर स्टार्ट करें तो 1.5 साल में जाके मेरे 1,000 सब्सक्राइबर हुए, और कुछ महीनों में, 1-2 महीनों में मेरे 4,000 घंटे वॉच टाइम भी कंप्लीट हो।